that it is the best place in all over Old Delhi. दोस्तों, पिछली दो दहाइयों से दिल्ली के दस्तरखान को सजाने में और दिल्ली वालों को मुगलई जायके देने में अल जाहिद का बहुत अहम रोल है। जिनके नाम से अल जाहिद रेस्टोरेंट का आगाज़ किया गया, उनके भाई जावेद साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ के जायकों के बारे में इनसे जानेंगे और अब तक इनका सफ़र कहाँ तक पहुँच गया है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। जावेद साहब, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत जावेद साहब इस्तकबाल है और मैं भी ये जानना चाहूँगा और हमारे जो इस वक्त व्यूवर्स हैं वो भी ये जानना चाहेंगे कि दिल्ली के इतने सारे जायकों में अल जाहिद डिफरेंट क्यों हैं। हमको अपने काम से बहुत लगाव है और हमारे वालिद साहब हमको बताते थे कि जितना अच्छा खाना बेचोगे उतना लोगों के दिलों को जीतोगे। तो हमने अपनी रेसिपी को जो है वो काफ़ी सीमित रख रखा है आज तक अपने पास। हमने जैसे हम अपना लॉलीपॉप बनाते हैं, आप कहीं से भी ट्राई कर लेंगे नहीं मिलेगा आपको लॉलीपॉप हमारे जैसे। एक हमारे दोस्त कहते हैं कि आपके आगे जो चिकन अफगानी है वो दिल्ली में कहीं नहीं थी। अफगानी चिकन बनाया ही हमने था। अफगानी चिकन की जो रेसिपी थी क्रीम के अंदर वो हमने ही शुरुआत की थी। एक्चुअली में ये बटर वाला चिकन जो आता है आज, अब आज से 20 साल पहले जाइएगा तो बटर वाला चिकन कोई लाइक नहीं करता। इसको हमने ही रिकमेंड किया था, इसलिए हमने ही ऑर्गेनाइज किया था। ये बात बिल्कुल सही है। 18 साल पहले चिकन अफगानी का आगाज, उस वक्त लोग नहीं जानते थे कि चिकन अफगानी क्या होता है। जी बिल्कुल। 18 साल में उसका जायका कितना बदला? सर, जायका वही का वही है जो पहले था 18 साल पहले, आज भी वही है। आज भी वही है। जी बिल्कुल। आज भी मेरे एक दोस्त ने अबुल हसन जो अल कुरैश मस्जिद के पास है उनका यही कहना था कि अफगानी का जायका दिल्ली में इनका अमेजिंग है, कोई इनके टक्कर में नहीं है। जी बिल्कुल। टाइमिंग क्या रहती है आपकी? और आपके हम 5:30 बजे शुरू करते हैं। हमारे पास डिनर होता है, लंच नहीं होता हमारे पास, ओनली डिनर। आमतौर पर तमाम जगहों पर ये देखा गया है कि ज़्यादातर जगहों पर कि मुगलई आइटम्स होती हैं, नॉन वेज होता है। जी जी जी। ये आपने जो उसके साथ एक वेज का दस्तरखान भी सजा रखा है, जी उसकी क्या वजह? एक्चुअली क्या है जी, देखो हमने जो इस चीज़ को वेज का जो एक मुसलमानी कल्चर के अंदर इस चीज़ को हमने आपने इसको ना सिर्फ आगाज किया, इसको प्रमोट भी प्रमोट किया। जी बिल्कुल प्रमोट किया। यहाँ आने के लिए सबसे करीब लैंडमार्क कौन सा है अगर कोई यहाँ आना चाहे? आप सीधा यहाँ झंडे वाले ईदगाह सदर थाना नियर ईदगाह रोड अल जाहिद नेमत कदा, किसी से भी पूछ ले, पूरे एरिया में फेमस है। पिछले 2 महीने पहले आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी, मैं SCP प्रज्ञा आनंद से गुफ्तगू कर रहा था सदर थाने में। जी। और सदर थाने से बहुत ही तकरीबन 300 या 400 मीटर की दूरी पर ये वाकई है, तो सदर थाना आपके लिए एक अच्छा लैंडमार्क है। जी बिल्कुल सदर थाना। और अगर फैमिलीज यहाँ पर आएंगी? जी हमारे यहाँ तो सारे बॉयज हैं। सर हमने फैमिली का अलग इंतजाम कर रखा है, ये ऊपर हमारा फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ सेपरेट फैमिली के लिए हमने कर रखा है। और जो कुछ छोटे फंक्शन लोग ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं वो भी हमारे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। कितनी तादाद? अराउंड 50 पीपल्स अराउंड हम पूरा अरेंजमेंट करके उनको देते हैं। हमारे पास आते हैं लोग, जैसे किसी की शादी का फंक्शन हुआ छोटा मोटा, समझ लीजिए वो कोई इंतजाम है, तो हम यहाँ अपने फ्रेंड के ऊपर करते हैं। मैं पटना से आ रहा हूँ, बिहार से 10 साल से आ रहा हूँ मैं। इसका टेस्ट अल्टीमेट है सर, ऐसा टेस्ट कहीं नहीं मिलता है। अल जाहिद नेमत कदा की नेमत है इस वक्त हमारे सामने मौजूद है, और ना सिर्फ नेमत
इस रेस्टोरेंट की एक और नेमत हमारे साथ हैं, जावेद साहब के साहबजादे बिलाल। बिलाल साहब, ये तमाम जो आपने आइटम्स लगाई हैं, मैं सबसे पहले ये भी चाहूँगा कि इसकी जो प्राइस रेंज है वो भी व्यूवर्स तक पहुँचे, ताकि ये जान सकें कि ये लॉलीपॉप है वो शायद अफ़गानी है आपका, तो इनकी क्या रेंज है? लॉलीपॉप जो है वो अभी 520 रुपीज़ केजी है, और अफ़गानी जो है वो 320 रुपीज़ हाफ है। अभी जो है करंट रेट, क्योंकि मुर्गा चल रहा है 220 रुपये किलो जी अभी, और वैसे अभी तो चल रहा था 160, तो इसलिए थोड़ा अभी बढ़ गया है, वैसे कम हो जाएगा यार। कम हो जाएगा, यानी जिस तरीके से चिकन के प्राइस आगे पीछे भाग रहे हैं, इनके साथ भी कुछ मजबूरी हो रही है जिसकी वजह से रेट आगे हो रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि जैसे जैसे उसके रेट पीछे आएंगे तो ये भी थोड़ा पीछे आ जाएंगे। वैसे तो 480 रुपये के जी है अभी, 40 रुपीज़ थोड़े बढ़े हैं। तो इसके साथ आप ये बटर नान देते हैं, इसके इसकी क्या कीमत रहती है? 30 रुपये का एक है, 30 रुपये 30 रुपये का एक है, और ये इसके साथ जो है इसका कॉम्बिनेशन है। चटनी के बारे में काफ़ी कुछ सुना है आपकी, ये चटनी आखिर इसका राज क्या है इतनी मशहूर होने का? चटनी तो बहुत पुरानी है, ये रेस्टोरेंट से भी पुरानी चटनी है। ये रेस्टोरेंट से पुरानी चटनी है, बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं और इसको पानी की तरह भी पी जाते हैं। मैं नहीं पी सकता, मेरी तहजीब इसकी इजाज़त नहीं देती, चटनी को चटनी के तरीके से ही लूँगा। और बिलाल साहब का शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले सोच रहा हूँ कि ये लॉलीपॉप ले ली जाए, ड्राई होती है, अगर अफ़गानी ले लिया तो उसकी ग्रेवी शायद थोड़ा परेशान करे। बहुत ज़्यादा भारी चिकन नहीं है, दरमियाना जो चिकन होता है तकरीबन 800 से 900 ग्राम वो इस्तेमाल किया गया, अच्छी तरह अंदर तक फ्राई है, कच्चापन नहीं। और ये वो मशहूर चटनी है यहाँ की, जिन लोगों ने भी अब तक कहीं भी चिकन लॉलीपॉप को ट्राई किया हो यहाँ ज़रूर आएँ, शायद मसाले का फ़र्क हो, चिकन तो हर जगह वही होता है, मसाले ही जायकों में तब्दीली लाते हैं। अच्छा मसाला इस्तेमाल किया गया है, ऊपर से जो मसाला डाला है उसकी वजह से थोड़ा सा आपको मिर्च महसूस हो सकती है, वैसे जो मसाला लगाया गया है उसमें कोई ज़्यादा मिर्च नहीं है। और अब ये काबिले तारीफ चिकन अफ़गानी, जितने भी दोस्त आते हैं मेरे यहाँ पर उनकी पहली पसंद यही चिकन अफ़गानी होता है। अमूमन 10 से 15 साल पहले लोग इसे इतना नहीं जानते थे, इन्होंने इसको यहाँ ना सिर्फ इंट्रोड्यूस किया, ये कहा जाए ये लोगों के मुंह को लगा दिया, और उसके मुंह लगने का ही ये अंजाम हुआ कि अब दिल्ली में आपको जगह जगह अफ़गानी के नाम पर बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन जो इनका जायका है कहा ये जाता है कि बहुत डिफरेंट है। मैंने एक लंबे अरसे पहले ट्राई किया था और आज आपके लिए ये जायका बहुत बेहतरीन और एक डिफरेंट, एक यूनिक जायका, न सिर्फ यूनिक अगर बेहतरी के मायार पर परखने की कोशिश की जाए तो आई थिंक नंबर वन की कैटेगरी में इसे लाया जा सकता है। यहाँ पर नॉन वेज के अलावा वेज में इनका शाही पनीर, दाल मखनी भी बहुत मशहूर है, लेकिन मेरा फोकस आज नॉन वेज की ही तरफ है। और आप लोग भी जिस तरीके से मुझे कमेंट्स मिलते हैं या मेरे पास मैसेजेस आते हैं, तो आप लोग भी नॉन वेज ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आज मेरा फोकस यही है। फिर हाजिर होंगे किसी नए रेस्टोरेंट और नए जायके के साथ। अज़ाहिद की आज की इस पेशकश में इतना ही, लेकिन एक बार फिर ये कहूँगा यहाँ के जायके बहुत अलग हैं, ज़रूर ट्राई करें। खुदा हाफिज़। मैं उदयपुर से आया हूँ, यहाँ पे स्पेशली लॉलीपॉप खाने आता हूँ भाई। बेहतरीन दाल मखनी अफगानी, और इनकी फ्राई की तो आप पूछो मत, बुड्ढे के वो दांत बिना वो भी खा ले।